हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू कुकिंग टाइम विद आकांक्षा एंड दिस इज आकांक्षा। आज मैं आपको कुछ नए किचन ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो पहला शुरू करते हैं आटे से। जब आटा गूंथती हैं तो आपका आटा ज़्यादा सॉफ्ट बने, आपकी रोटी ज़्यादा सॉफ्ट बने और बहुत अच्छी बने, उसका टेक्स्चर अच्छा हो, उसके लिए आप जब भी आटा गूंदें आप एक कप में थोड़ा सा दूध ले लीजिए और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इस मिक्सचर से आप अपना आटा गूंथिए। देखिए हल्के हल्के करके डालिए, एक साथ बिल्कुल मत डालिएगा। देखिए इससे आपका आटा बहुत अच्छा होगा, आपकी रोटी भी बहुत अच्छी बनेगी। देखिए बहुत सॉफ्ट आटा गूंदा और जब आप आटे को यूं प्रेस करेंगे आटा खुद अपने आप को से ऊपर आने लगेगा, इसका मतलब आपका आटा बहुत परफेक्ट गूंदा हुआ है। जब हम भिंडी काटते हैं हम देखते हैं कि ये भिंडी से चिपकने लग जाती है चाकू में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है तो ये आपकी नाइफ में चिपक जाता है। उसके लिए आप क्या कीजिए, थोड़ा सा नींबू ऐसे नाइफ में ऐसे करके इसे घीसिए और इसे कॉटन टॉवल से साफ कीजिए। उसके बाद आप भिंडी काटेंगे तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगी, आसानी से कट जाएगी। देखिए और जब आप भिंडी बनाएं, कढ़ाई में बनाएं आप भिंडी, तो भिंडी काफ़ी स्टिकी हो जाती है, तो उस समय आप क्या कीजिए, थोड़ा सा एक दो बूंद नींबू डाल दीजिए, अमचूर पाउडर डाल दीजिए, आपकी भिंडी बहुत टेस्टी बनेगी और आपस में चिपकेगी नहीं। अगर आप फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर बनाना चाहती हैं तो उसे 20 मिनट पहले वैसे पानी में डुबाएं और थोड़ा सा एक दो बूंद दूध डाल के उसे हिला लीजिए। इससे गोभी का टेक्सचर भी अच्छा होगा और वो ज़्यादा वाइट कलर की दिखेगी। जब आप चावल बना रही हो तो उस पर आप बस एक और दो बूंद नींबू की डाल दीजिए और फिर आप अपने चावल बनाइए, आपके चावल एकदम वाइट बनेंगे। और अगर आप एक बूंद तेल डाल देंगी हो तो वो चिपकेंगे नहीं बिल्कुल भी। कभी आप देखती हैं आपके चावल के कंटेनर में कुछ घुन से या कुछ इंसेक्ट लग जाते हैं, वो हो सकता है कि जब आप चावल निकाल रही हो कभी आपका पानी का हाथ लगा हो या एक ड्रॉप पानी गिर गया, उससे भी ये सब कीड़े वीड़े आ जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप एक चीज़ कर सकती हैं, कुछ सूखी मिर्चें आप अपने चावल में डाल सकती हैं, इसे ऊपर नीचे कर लीजिए इससे और इसको बंद करके रख लीजिए, इससे आपके कंटेनर में इंसेक्ट नहीं लगेंगे। और बाय चांस ज़्यादा इंसेक्ट है तो आप कर सकते हैं 1 kg राइस में आप 5 ग्राम मिंट लीव्स का पाउडर यानी पुदीने का पाउडर डाल सकती है, सूखे पुदीने का पाउडर, उससे भी इंसेक्ट नहीं आते हैं चावल। कभी आप बैगन की सब्ज़ी बना रही हैं तो अगर आप बैगन काटती हैं और काट के आप उसे रखती हैं और थोड़ी देर के लिए 10 मिनट बाद भी आप सब्जी चढ़ाती हैं तो बैगन का टेस्ट सब्जी का थोड़ा सा अजीब बिटर होने लग जाएगा और आपका जो बैगन है वो काला होने लग जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप एक कंटेनर में पानी लीजिए, नॉर्मल पानी लीजिए और उस पर आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और इन बैगनों को ऐसे ड्रॉप कर लीजिए। आप छिलका उतार के काट के भी रख सकती हैं, आप इसे काट के कैसे भी रख सकती हैं, आपका बैगन ख़राब नहीं होगा। और जब आप सब्जी बनाएं इन्हें निकाले धोइए और सब्जी बनाएं। कभी आप फ्रिज में एक साथ टमाटर रख लेती तो क्या थोड़े बहुत दब जाते हैं, कुछ ख़राब होने लग जाते हैं, उसमें स्मेल आने लग जाती है, तो उस चीज़ से बचने के लिए जितने आपके टमाटर हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे परात में ठंडा पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा मैंने ये नमक डाल दिया, इसे सॉल्टी कर लीजिए और इसमें आप टमाटर भिगा के फ्रिज में रख लीजिए, आप देखेंगे कि टमाटर की फ्रेशनेस वापस आ जाएगी। हमें लहसुन छीलने में बहुत परेशानी होती है, इनफैक्ट अगर आप लहसुन छीलते तो कभी हमारे हाथों में यहाँ पर जलन सी होने लग जाती है, तो जब भी आप लहसुन छीलें उसे आधे घंटे पहले पानी में भिगा दीजिए और फिर आप छीलेंगी तो आपके हाथ में जलन भी नहीं होगी और जो लहसुन हो आराम से आप छील सकती हैं। अगर आप आलू 15 मिनट भी पहले काट के रखती हैं सब्जी के लिए, 10 मिनट भी पहले काट के रखती हैं तो आलू ब्लैक हो जाता है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो उस चीज़ के बनने के जब भी आप आलू छीलें इसे काट के उसे पानी में भिगा दें, इससे आपका आलू काला नहीं पड़ेगा। प्याज काटना किसी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें बहुत आंसू आते हैं, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो जब आप प्याज छीलें उसे पानी में डुबो दीजिए 15 मिनट के, फिर आप उसे काटिए, आपके आंसू नहीं आएंगे। अगर आपके मिक्सर ग्राइंडर की जो ब्लेड्स हैं उसकी धार अगर तेज नहीं है तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, उसमें आप 2 स्पून नमक डालिए ताकि ब्लेड्स ढक जाएँ और आप इसे पाँच मिनट के लिए चला लीजिए और ऐसा आप 15 दिन में एक बार कीजिए, इससे आपकी जो ब्लेड होंगी वो शार्पन रहेंगी।
अगर नींबू टाइट हो चुका है, उसमें से रस नहीं निकल रहा है, तो नींबू को आप वार्म वाटर में 5 मिनट लिए भिगा दीजिए। नींबू में से जितना रस है वो सब आ जाएगा, और नहीं तो आप इस नींबू को 1 मिनट लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। हमने अक्सर देखा होगा कि कभी हम नींबू फ्रिज में रखते हैं तो उसमें ये देखिए इस टाइप के दाग पड़ जाते हैं। इसमें तो ऑलरेडी मैं आपको एक शो करने के लिए दिखा रही हूँ। तो नींबू के दाग से बचने के लिए आप एक कोई कांच के कंटेनर में पानी फुल करिए और नींबू उस पर डुबा दीजिए। ऐसा कीजिए कि नींबू पानी में डूबा होना चाहिए, और इसको बंद करके आप अपने फ्रिज में रख दीजिए। आपके नींबू बहुत लंबे टाइम तक, मतलब 15-20 डेज, इससे भी ज़्यादा चलेंगे। हमने अक्सर देखा होगा, हम जब भी दूध बॉयल करने के लिए रखते हैं, वो हमेशा अगर हमारा ध्यान कभी किचन से इधर उधर हटता है तो दूध बॉयल चल जाता है। अगर आप कुछ वुडन स्पैटुला ऐसे करके रख देंगे तो आपका दूध कभी बॉयल नहीं जाएगा। ये देखिए, दूध बस यहीं तक आएगा, यहाँ से वो एकदम इसी पोजिशन में आके रुक जाएगा, मतलब उबाल नहीं जाएगा आपका दूध। ये देखिए, दूध बॉयल नहीं जाएगा आपका, ये ट्रिक आपके काम आएगी। जब भी आप एप्पल खाना चाहिए, एप्पल में आयरन होता है तो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखिए, इस पर मैं नींबू नहीं लगा रही हूँ, इस वक्त मैंने नींबू लगाया। अब थोड़ी देर पर आप देखेंगे कि ये ब्लैक हो जाएगा, और जिस वक्त नींबू लगाया ये ब्लैक नहीं होगा। देखिए, हाफ एन आवर हो गया है, और ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो गया, और ये एज इट इज़ का एज इट इज़ है। प्लीज़ ये वाली ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये सारी किचन ट्रिक्स पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।